सब सामान हटाओ, साइड करो, तुम पूरा घर फैला के बैठी हो। कौन से घर जा रही तुम? लोग होते हैं जिनकी बीवियां उनकी पैकिंग करती, लेकिन इसकी भी पैकिंग ना मैं करके देता हूँ। इनको यार दिमाग मत खराब करो, साइड में लाउडली बोल दूंगा, चिल्ला दूंगा इनके। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है अमित एंड किट्टो जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे। तो भाई की दाढ़ी बढ़ गई है, देख रहे हैं आप लोग? तो मैं सोच रहा हूँ शेविंग करा लिया जाए। और किट्टो रानी मोबाइल चला रही है, उधर हमारा लिली खड़ा हुआ है, ऋषभ है, ऋषभ गुड मॉर्निंग आ गया। अभी सब सो के उठे हैं और हवा भी मौसम भी बहुत अल्टीमेट बेहतरीन, एकदम माइंड ब्लोइंग चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना समय को गवाया ना जाए और फटाफट जाके एक अच्छा सा लुक लिया जाए, शेविंग कराई जाए। दाढ़ी भी टाइम टू टाइम ट्रिम करा लेनी चाहिए ना, नहीं तो चेहरे का लुक की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो गाइस, जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा के। और ये वाला ब्लॉग पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, जरूर करके जाइएगा। और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में जरूर करिएगा। चलिए आइए चलते हैं शेविंग कराने। तो भैया शेविंग कराने आ रखे हैं, अब शेविंग वगैरह करा लें। A few moments later. कैसा लग रहा हूँ फिर मैं शेविंग कराने के बाद? तो गाइस फाइनली शेविंग वगैरह हो गई है, देख रहे हैं ट्रिम में मस्त एकदम चकाचक बेस्ट तंदुरुस्त ये लगी हुई है। तो सुबह सुबह किट्टो ने दे दिया हमें चाय बोल रहा हूँ, हम चने हैं और नींबू पानी है, थोड़ा सा नींबू पानी मेरे हाथों से गिर गया। तो गाइस चने और नींबू पानी पी करके फिर मिलता हूँ लोगों से। तो गाइस अब टाइम हो गया है नाश्ते पानी का, तो किट्टो रानी ने बनाए हैं पराठे, और पराठे काफ़ी ड्राई होते हैं, हम लोग ऑयली पराठे बिल्कुल ना के बराबर खाते हैं। किट्टो रानी किचन में, किट्टो रानी की आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि बहुत हीट मारता है इस टाइम, गर्मी का टाइम चल रहा है। किट्टो जी चाय पी ली आपने? चाय नहीं, नहीं पीते? ओ शायद, चलो मैं चाय और पराठे खाता हूँ। जी आप क्या खा रहे हो? मुझको चॉकलेट खिलाए थे, आ जाओ आ जाओ, चाय और पराठे, चाय पराठे। A few moments later. किट्टो तुम क्या कर रही हो कब से? हम तुमको बोल रहे हैं सब सामान हटाओ, साइड करो, तुम पूरा घर फैला के बैठी हो। कहाँ जाओगी? घर जाएंगे। कौन से घर जा रही तुम? अपने घर, अपना घर। किट्टो कहाँ जाने वाली हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। मेरे पास इतना शक्ति नहीं है कि मैं बोल पाऊँ, मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है। शक्ति कपूर जी से मिलवाएं तो मैं शक्ति आ जाएगी? नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना है। तो तुम घर जाने की कर रही हो तैयारी, ससुराल जा रही हो? हर जगह जाएंगे, ससुराल थोड़ी ना जा रहे हैं। तो गाइज आज किट्टो कर रही रक्षाबंधन पे घर जाने की पैकिंग, इसके सारे सामान देखो, सब सामान फैला रखा है इसने। इनके कपड़े इतने हो जाते हैं ना कि भाई हमारा तो, हमारा बैग देखो तो साइड में पड़ा हुआ है, इकलौता बिल्कुल मुरझाया सा। पूरा सूट ले जाना है, साड़ी सूट ले जाना, और क्या करोगी ले जाके? पूरा सूट ले जाना है। सूट जो तुम्हें पहनना, पूरा क्या करोगी? जो पहनना है, जो नहीं पहनना है क्या करोगी ले जाके? क्या पता पहन ले तब, क्या पता नहीं। हम पिछली बार भी तुम्हारा क्या पता देख रहे, चार थैला लेकर के गई थी सूटकेस, पहनी कुछ भी नहीं। दीदी जो नहीं पहनना यहाँ साइड रख दो, जो पहनना यहाँ अंदर रख करो। ये सब पैंट नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ छोटा निकल गया, ये पैंट मुझे हो ही नहीं रहा है। मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, जगह बिल्कुल नहीं है, अगर हम कपड़ा निकाल भी देंगे तो रखेंगे कहाँ? रखेंगे हम बता रहे हैं, तुम साइड करो बस। हमारा कपड़े का पूरा तहस नहस कर दे रहे, बेड में ऐसे पूरा फेंका है। हम आज अभी सही करेंगे, सब सही करके रखेंगे। क्या सही करके? सही करके रखेंगे सब सामान, दो बैग ऐसे पूरा ऐसे निकाल। हमको बाबू अभी सही करें, तुमको जो ले जाना पहले तुम इसके अंदर डालो जो ले जाना है। जब मेरा सारा कपड़ा निकलेगा तब तो सोच रहे हम क्या ले जाएंगे क्या नहीं, हर बार एक ही कपड़ा पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। तो यार इतना तो नया कपड़ा आया है, तुम ऐसा बात बोलती कि हर बार एक ही कपड़ा पहनेंगे, पुराना कपड़ा क्यों लेके जाना, नए कपड़े रखो क्यों सोना बेटा?
हर चारी सब दिमाग बहुत खराब है, गर्मी लग रहा है। आप अपना किस में रखेंगे? हमारा तुम चिंता मत करो सोनाक्षी। हाँ। हमारी चिंता मत करो, तुम अपना रखो। तुम ये क्या फालतू इसमें रखी पड़ी हो? ये पहनोगी एक भी दिन घर घर पे? ये पहनोगी एक भी दिन? प्रेस करके रखे हैं। तो प्रेस जब बोल रहे इसको निकाल के रखो, तुम वही कपड़ा बार बार इसमें रखे पड़ी हो, पहनोगी घर पे ले जाकर के? पहले से है ना। तो इसको हम तुम्हें क्या कह रहे हैं, कपड़े निकाल के रख दो ना साइड में। यार तुम मेरे से बहस बहुत कर रही हो। आज तुम्हें मित्र तुम्हारा तुम दिमाग में पता नहीं क्या होगा, तुम कब से हमसे बहस ही करे जा रही हो। बस हम बहस नहीं कर यार। फैमिली एक चीज बताइए, गांव जाती हूँ एक हफ्ते के लिए, चार ठो कपड़ा लेके जाओ यार, क्या दिक्कत है? हम तो दो ठो हाफ पैंट रख लेते हैं, दो तीन ठो टी शर्ट ले रख लेते, हमारा काम हो गया। इनको तो समझ में नहीं आता इनका फैशन, इनको क्या सामान लेके जाना है? कुछ नहीं समझ में आता है। रख लो ये सब टॉप शॉप, क्यों परेशान हो रही हो? हमारा कहने का मतलब है, अभी इसने ऑनलाइन इतना शॉपिंग किया, आप लोगों ने देखा था मीशो से क्या बोलते हैं उसको, सूट वगैरह मंगाया, अभी साड़ी वगैरह मंगाया, बहुत सारी चीजें मंगाई। ये सब देखिए, रक्षाबंधन के लिए हमने ये जो लिया था सब लिया हुआ है। और क्या क्या मीशो से मंगाया था जी, दिखाओ। ये रखती है देखो, यहाँ रखा हुआ है ब्लैक वाला सारा कुछ। गाइस ब्लैक वाले चले, ये वाला ले चले। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? तुम्हें जो पहना वो लेके चलो ना, हमसे क्या बार बार पूछ रही हो? मुझसे पूछना क्या बेकार है? तुम रह रह करके भाई ये ले चले वो चले, तुम्हारा बच्चा तो पूरा घर उठा के लेके चलो घर पे। अच्छा मेरे से ज्यादा बहस करने वाली बात नहीं है। ये साड़ी हम नहीं लेके आएंगे। हाँ तो मत लेके जाओ ये साड़ी, तुम दो तीन बार पहन चुकी, मत लेके जाओ इस साड़ी को। कौन बोल रहा है तुमको लेके जाने का? यार नॉर्मल भी बोल सकते हो। नॉर्मल नहीं बाबू, तुम नॉर्मल सुनने लायक नहीं हो ना। तुम्हारा मेरा दिमाग खराब करे पड़ी कब से। लेके चलो हमको, अच्छा हमने पहनना होगा पहनेंगे। ये हमसे कौवा करे चिल्ला जी, हमसे भी तुम चार खबर मत करो। देख रहे ये सब क्यों रखी हो इसमें, जब पहन चुकी 10 बार तो ये सब साड़ी हटाओ इसमें से। प्रेस किए। हाँ तो बाबू हम तुमको क्या बोले, जो तुम्हें नहीं लेके जाना सब साइड में कर दो। ये वाला हाँ नहीं ये मत लेके जाओ। एक ये साड़ी ले, ये रख लो। इसकी भी ना पैकिंग मुझे करानी पड़ती है ना, इनके बस की कुछ है नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बीवियां उनकी पैकिंग करती है, लेकिन इसकी भी पैकिंग ना मैं करके देता हूँ। इनको 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 मतलब रहता कि मेरे पति देव है उनकी पसंद से मैं पहनूं। अरे भैया तुम रखो, उधर क्या देख रही हो? ये रखो ना बताओ यार, मतलब रख भी नहीं सकती। आज ना मेरा दिमाग, आप आज आप लोग सुनिए, आज अमित भैया किट्टो को क्यों इतना डांट रहे हैं? आज मेरा एकदम दिमाग खराब कर रखी है। मैंने अपने सासू माँ के लिए लिया है और इसको सिलवा भी लिया है। हम कहे कि उनको ब्लाउज सिलवा के लिए चलते हैं। ये मैंने अपने ही फिटिंग का सिलवाया उनको। तो ये किट्टो ने मेरी मम्मी के लिए साड़ी ली है, कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि घर पे गर्मी है तो इसलिए। मम्मी वाली साड़ी दिखा दी, लेकिन दीदी वाली साड़ी नहीं दिखाई अभी। कैसा लग रहा है आप लोग को मम्मी को सिंपल साड़ी? क्योंकि घर पे गर्मी भी है, हल्का फुल्का पहनेंगी तो कभी पहन सकते। बिगाड़ दिए ना, लगाए थे फिर तुम बहस कर रहे हो मेरे से। कितना मेरे से लड़ रही है यार? आप लोग को लगता है ना कि इन दोनों में बहुत प्यार, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत लड़ाई होती, बहुत लड़ाई होती है। अभी देखना घर में जाते जाते कितना लड़ाई हो जाएगा। देख रही हूँ पूरा पूरा सामान बिखरा रखा है इसमें घर के अंदर, पूरा सामान। अभी मेरी पैकिंग नहीं, बस इसी की पैकिंग हो रही है। मेरा तंग कर दिए एकदम। ये साड़ी ले चले, ज्यादा मत लेके चलो, दो तीन तीन चार साड़ी लेके चलो, सूट लेके चलो। ये वाला पहनोगी अच्छा लगेगा? नहीं बहुत हमको वो लगेगा। ये नहीं, ये भी नहीं। ले चलो ले चलो। ऑरेंज वाला तो इस टाइम को पहन चुकी है। ऑरेंज वाला अच्छा लग रहा है। ये वाला नहीं लोगी? नहीं ये साड़ी मेरे पास है घर पे। सब पेटीकोट लेना बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम्हें, हल्का तो है। कहाँ पहनेंगे? ये नहीं लोगी? नहीं ये दे दे किसी को। प्राची को दे दे। नहीं करती चाची, पहन भी लेगी। चलो ले चलना चाहिए। नहीं पहनेगी तो? नहीं पहनेगी, वापस ले आना होगा। ये सब साड़ी किट्टो पहले भी पहन चुकी, इसलिए साड़ी हमने साइड में रखी है। साड़ी तो सिंपल साड़ी है। ये देख रहे हो दोस्तों, ये अपने बैग में तो कपड़ा डाली है, मेरे बैग में भी अपना सारा कपड़ा डाल रखी है। ये आपका इसी में जाएगा, 10 बैग नहीं जाएगा, दो सूट केस जाएगा, एक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा एक। हम बोल रहे हैं ना दो अलग अलग जाएगा, एक दिन के लिए थोड़ी नहीं जा रहे हैं। चलो हमारा कपड़ा अलग रखो, तुम हमें पता, चलो रखो।
आपका कुछ नहीं प्रेस है? हाँ तुम प्रेस हो ना, वहीं रख दो, हम अपना कर लेंगे। रखो एक तरफ, जैसे हम अपना अपना रख रहे हैं, आप भी अपना रख रखो। पहले उसमें से खाली तो करो यार जगह, बहस करने को बोल दो, बस बहस कर रही हो आज। ये पहनेंगे हम तीज पे। पहन चुकी हो तुम तीज पे, रखो पहले साइड में। ये ब्लाउज ले चलो। यार दिमाग मत खराब करो, साइड में रखो, लेके चलेंगे लेके। मुझे पता था, मुझे पता था यही होगा। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा लाउडली बोल दूंगा, चिल्ला दूंगा तो इनके, देखिए सन्नाटा चारों तरफ, सन्नाटा मतलब सामान पैकिंग करते करते सन्नाटा। चोरी है, हो गया। अब और कौन सा कपड़ा लेके जाओगी? किट्टू मार दूंगा तो एक थैला भर के इसका कपड़ा आ गया। किट्टू मायके नहीं जाओगी? एक इट्टो घुसेर देगी क्या कैमरा एकदम मुंह के अंदर? ऋषभ अपने अपने में ही मस्ती है। देखो पूरा कबाड़ करके रखे घर में। नहीं सोनाची, हम सोच रहे घर जाने वाले सब कुछ सही सेट कर दे। ऋषभ बटो सब कुछ फैला हुआ है ना? बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। कपड़ा ये छोला कितना बड़ा है कि इतना ढेर सारा कपड़ा भी आ गया। वाह देखो चाचा रख रहे हैं। दोस्तों पैकिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे घर छोड़ के जा रहे हैं। देख रहे कितनी पैकिंग हो रही है, पूरा सामान अस्त व्यस्त, पूरा कमरा आप लोग को दिख रहा होगा। और ये देखो इधर मतलब सब सामान सेट करने में रखने में भी समय जाएगा भैया, बहुत समय जाने वाला है। बने रहिए ब्लॉग में। किट्टू देखो तो दोस्तों हमारी पैकिंग हो गई है, लेकिन ये अपना पैकिंग खुद करेंगे। मेरे चेहरे पता नहीं क्या लग गया, काला काला समझ में नहीं आ रहा। और देखो ये पोछा लगा रहे हैं, हमने साफ सफाई कर दिया। हम बोले पोछा लगा रहे हैं कि तुमसे अच्छा हम लगाते हैं। हम तुम लगाती है तो पूरा पैर अजीब गरीब लगता है, हम लगाते बढ़िया रहता है। आप तो इसी के मास्टरमाइंड हो ना, इसलिए मास्टरमाइंड। दोस्तों मुझसे बदुआ मजदूरी कराई जा रही है, क्योंकि इन्होंने आज मुझे बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। मेरे शब्द भी पूरे नहीं हुए किट्टू रानी। बोलो दोस्तों मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, झाड़ू पोछा मैं खुद करता हूँ। झाड़ू पोछा तो सीन है लो, शादी तेरे ना करो। इनकी कमी थी,
तो इन्होंने आज मेरे को इतना रुलाया कि हमारा चेहरा आप लोग देख सकते हैं कितना थोड़ा सा डल डल सा लग रहा है, क्योंकि आज मेरे को सुबह से ही रुलाया, क्योंकि अब क्या बताएं, हम आप सबको नहीं बता सकते क्यों रुलाए इतना। तो हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो आप सबको मेरी पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बोल दिए, पता नहीं कुछ और बोलने आएंगे। हम बोल दिए जी, हम वीडियो समाप्त कर दिए। सुनिए, हम बुलाए तो ये चले आए। ऋषभ, और गर्मी 2-3 दिन से बहुत है, और गर्मी देख करके मन नहीं कर रहा है। ऐसे भी गर्मी हर जगह है, कहाँ नहीं जा सकता कहाँ पे गर्मी नहीं है, गर्मी तो हर जगह है। वो आने में टाइम लगा रहे हैं दोस्तों, बाय बाय, जाने दो, पता नहीं कब आएंगे। घूमने हाँ घूमने।